الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. मोहतरम बुजुर्गो भाइयो, अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि हम सबको ईमान जैसी अजीम शान दौलत अता फरमाई। ये अल्लाह की तरफ से खुसूसी इनाम है, खुसूसी एहसान है। हम सब आपस में जो जमा हुए हैं वो ईमान की निस्बत है। मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ बिरादरियों से खालिस अल्लाह के लिए जमा हुए। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। और पूरी दुनिया में जिन जिन अल्लाह के बंदों को और बंदियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान अता फरमाया, ये अल्लाह के खुसूसी इनाम के साथ है। खुसूसी एहसान के साथ है। मजीद करम अल्लाह ने फरमाया कि हमें ईमान की मेहनत के साथ जोड़ा है। जिस नेमत की वजह से ये सारी चमक दमक है और सारी दुनिया जिस नेमत की वजह से और जिस दौलत की वजह से अटकी हुई है, पूरी दुनिया का निजाम और दुनिया में जीने वाले सारे लोग और अल्लाह की दीगर मखलूकात, चरिंद और परिंद, शजर और हजर, जर्रा और कतरा, हर चीज अपने वजूद के साथ कायम है, अपनी हैयत और शक्ल के साथ बाकी है। इसका असली सबब ईमान है। ये पूरी दुनिया की रूह है। दुनिया में जितनी चीजें नई आती जाएं या जितनी चीजें हमारी आंखों को चौंका देने वाली हो, इंसानों की अकल को ताज्जुब में डाल देने वाली हो, और उस चीज से लोगों को ताज्जुब हो रहा हो, ये सारी की सारी चीजें और पूरी दुनिया की सारी चीजें ईमान वाले की वजह से है। ये रूह है पूरी दुनिया की। हम देख रहे हैं इज्तिमा का पंडाल लगा है और इज्तिमा से मुतालिक बाकी सारे और छोटे बड़े पिंडाल लगे हैं, छोटे बड़ी जरूरियत का सामान लगा हुआ है,
इज्तिमा पूरा होगा ये सारा समेट जाएगा। ऐसे अल्लाह ने पूरी दुनिया इसी तरीके से सजाई है। ये दरख्त अपनी जगह पर अटके हुए, ये खड़े हैं अटके हुए, आसमान लटका हुआ है, जमीन अपने कंट्रोल के साथ बिछी हुई है, पहाड़ अपनी जगह पर जमे हुए हैं, हवा एक मुनासिब मकदार के साथ चल रही है, ये सब कुछ जो कुछ दिख रहा है ये ईमान वाले की वजह से है। अल्लाह का हुक्म इन्हें थमाया हुआ है, दरख्त को अपनी जगह पर अटकाया हुआ है, आसमान इसी तरीके से अल्लाह के हुक्म की वजह से लटका हुआ है, चंद सेकंड के लिए जमीन अपना कंट्रोल खो दे, जानी और माली कई सारा नुकसान हो जाता है, लेकिन अल्लाह के हुक्म की वजह से जमीन बिछी हुई है। इसकी रूह ईमान है, ईमान वाला है कि इस ईमान वाले की वजह से अल्लाह पाक है ये सारी दुनिया और दुनिया का अंदर होने वाला सारा निजाम चलाया है, अटकाया हुआ है। और जो कलिमा और जो इकरार और जो अहद जिस बात का इजहार बंदे ने किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, इसका इजहार और इसकी तस्दीक, इसका मानना पूरी दुनिया को अटकाया हुआ है, बसाया हुआ है, सजाया हुआ है। ये कलिमा और ये इकरार सबसे पहले इंसान के 6-5 फीट के वजूद पर सबसे ज्यादा असरअंदाज है। ये भी अल्लाह की मखलूक है। कि पूरी दुनिया इस कलिमे की वजह से अटकी हुई है, और इस कलिमे की ताकत को समझ करके इसको मेहनत करके जिंदगी में ला करके इंसान अपनी 50-60 साल की जिंदगी उसके तकाजे को पूरा करने के साथ गुजारता है। तो जैसे इस कलिमे की ये ताकत है कि पूरी दुनिया का निजाम चल रहा है, वैसे इस कलिमे की ये ताकत है कि जब बंदा इस पर मेहनत करता है, कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है और इसको हासिल करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए दौड़भाग करता है, तो इस कलिमे की ताकत उसकी जिंदगी पर असरअंदाज होती है। इसकी जिंदगी संवरती है, बनती है। और बनी हुई जिंदगी का मुतालबा है।
इस वक्त हम सब जो जमा हुए हैं और पूरी दुनिया में जो इस वक्त जितनी कोशिश और काविश हो रही है वो इसलिए हो रही है कि एक मतलूब जिंदगी है। अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के नजदीक एक मतलूबा जिंदगी है, एक जिंदगी चाही गई है। और वो मतलूबा जिंदगी जो जिंदगी अल्लाह को पसंद है, जिस जिंदगी का अल्लाह ने मुतालबा किया है, वो जिंदगी हर बंदा और बंदी छोटा और बड़ा, काला और गोरा, अरबी अजमी, उस जिंदगी को बनाने के लिए मेहनत करें, कोशिश करें, उसके लिए इस्तेमाल है, उसके लिए खुरूज है, राय खुदा में निकलना है, उसके लिए सारे काम है। एक जिंदगी जो मतलूब है वो जिंदगी बनाने के लिए ये सारी कोशिश मेहनत है। बाकी भीड़ जमा करने का नाम इस्तेमाल नहीं है। कोई वक्ति प्रोग्राम नहीं है। बल्कि एक अच्छी और साफ सुथरी जिंदगी, किसी जिंदगी का एक कदम अल्लाह को खुश कर रहा हो और जिस जिंदगी में उठने वाला कदम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मैच हो रहा हो, और जो जिंदगी अपने अपने साथ रहने वालों को नफा बख्श बन रही हो, जिसकी सुबह और शाम और जिसका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना और पीना और दोस्त अहबाब के साथ चंद देर बैठना, इसका सफर और हजर, अड़ोस पड़ोस के साथ मेलजोल रखना, रिश्तेदारों के साथ मिलना, ये सब एक तरीके के साथ हो रहा हो, आखिरत की तैयारी के साथ हो रहा हो, अजर की उम्मीद के साथ हो रहा हो, ये जिंदगी मतलूब है। बाकी मेरे दोस्तों, इस पूरी दुनिया में ऐसे अल्लाह की बहुत सारी जीरो मखलूक है, जानदार मखलूक है, सांस लेने वाली मखलूक है, कि जो रोजाना रात को खा लेती है, सुबह उठ जाती है, सुबह फिर खा लेती है, फिर आराम कर लेती है, अपने बच्चों को अपने साथ रख लेती है, साया मिल जाया तो वहां सो लेती है, और इस तरीके से उनकी उस मखलूक के उनके बच्चे बड़े होते हैं, वो मखलूक भी अपनी एक मुकद्दर तयशुदा जिंदगी पूरी करके दुनिया से चली जाती है। लेकिन अल्लाह वहदहुला शरीक लहू ने इंसान को एक तरीके के साथ जिंदगी गुजारने का मुकल्लफ बनाया। इंसान को जो 60-70 साल की जिंदगी दी है, ये इस मुख्तसर सी जिंदगी में ये एक तरीके के साथ जिंदगी गुजारेंगे। जो कहते हैं वही करना है, जैसे रोजाना सुबह करते हैं सुबह करनी है, शाम होती है शाम होती है, खाना पीना होता है
और उसके साथ जो चीजें जिंदगी में लगी हुई है वही है। बस बात यह है कि मेहनत करके हर मौके का तरीका सीखना है। हर मौके का दीन सीखना है। कि सुबह का दीन सीख लिया, उठने का तरीका सीख लिया, और उसमें सबसे पहली चीज यह है कि आदमी हर तरीके में और हर अमल में सबसे पहले अपनी नियत बनाए। जैसे सुबह उठता है, रात को सोता है, तो उसको एक नियत के साथ सोने का हुक्म है। सुबह उठा तो एक नियत के साथ उठे, बल्कि सुबह की जो मनकूल दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर, ये इंसान की फिक्र को एक तरफ, एक मकसद को समझाने के लिए है, ताकि इसकी सुबह एक मकसद की याद दहानी के साथ हो। और अपनी जिंदगी की हैसियत बताने के साथ है कि पता नहीं कब लम्हात पूरे हो जाएं, कब सांसें खत्म हो जाएं, कब जिंदगी का आखिरी वक्त आ जाए, कोई कुछ नहीं कह सकते। चलता फिरता इंसान सो जाता है, सोया हुआ आदमी उठ नहीं पाता है। इसलिए कान कि नींद मौत की बहन है। बहुत सारे सो गए तो हमेशा के लिए सो गए। हैसियत बताई जिंदगी की, तो वैसा ही के वैसा ही रह गया, फिर उठ ही नहीं पाया। और तो जिंदगी का ये हाल है। और फिर जब उठा तो उसको ये एहसास दिलाया कि तमाम तारीफ उस अल्लाह ताला की है कि जिसने हमें फिर जिंदा किया है। अल्लाह की शुक्रगुजारी के साथ, अल्लाह की नेमतों के इस्तेजार और ध्यान के साथ, अल्लाह की नेमतों को याद करने के साथ फिर जिंदगी में ताजगी आती है। जब सुबह बंदा उठ करके याद करता है ना अल्लाह की नेमतों को और शुक्रगुजारी करता है, अहयाना बादमा अमातना, अल्लाह ने फिर मौका दिया, फिर उठ गए, फिर हम खड़े हो गए। तो आज हम क्यों उठे हैं? जैसे कल उठे थे वैसे एक दिन और मिल गया उठने के लिए, तो आज वो फिर उठ गए। जैसा कल का दिन गुजरा था एक दिन और मिल गया है, ये है कि अल्लाह ने एक मौका और दिया है। समझदार इंसान इस मौके को वसूल ये करेगा, वो इलैहि नुशूर की मेहनत में लगाएगा। ये मकसद हयात है। बाकी उसके अलावा बाकी जितनी चीजें लगी हुई है, नाश्ते की फिक्र है और फिर कारोबार का सारा फिक्र सवार है, और दिन भर में जितने जरूरी काम हमारे साथ लगे हुए हैं वो तो सब इस मकसद की आसानी के लिए है। बीवी है, बच्चे हैं, दुकान मकान और कारोबार से मुताल्लिक जितने और दीगर काम हैं,
ये तो सब इस मकसद की आसानी के लिए है। बाकी सुबह तो इसलिए हुई है कि इसको वहले ही नुशूर की मेहनत में लगाए। एक अल्लाह ने चांस दिया है, एक मौका दे दिया कि आज का दिन फिर आखिरत को बनाने के लिए, आखिरत के मुतालिक जितने उमूर हैं उसकी तैयारी के लिए, अपने दिन भर के कामों में आखिरत को सामने रखकर चलने के लिए। वही नुशूर अभी तो उठ रहा है और उसको याद दहानी कराई जा रही है कि ये दुकान पर जाए तो इस नियत के साथ, इस जज्बे के साथ जाए कि ये दुकान एक वक्त छोड़ना है, मुझे तो इस दुकान पर आखिरत की तैयारी के लिए जाना है। इससे जो उसूल और हासिल होगा आखिरत की तैयारी के लिए इस्तेमाल होगा। ये मुसलमान की जिंदगी है और ये मोमिन की जिंदगी है। ये जिंदगी मतलूब है कि तरीके के साथ आदमी इस तरीके से जिंदगी गुजारे, मकसद को सामने रखकर जिंदगी गुजारे। बाकी अगर खाना पीना मकसूद होता अल्लाह पूरी दुनिया में हाथ ही भर देते, वो सबसे ज्यादा खाते हैं, वो खाते ही रहते, अल्लाह का मकसद पूरा हो जाता। दुनिया को बनाने के लिए, दुनिया में बसने वाले इंसानियत का अगर मकसद खाना होता तो इंसान से कहीं ज्यादा खाना तो हाथ ही खाता है। तो हाथ ही इस मकसद को पूरा करने में और ज्यादा अच्छा साबित होता। अगर तामीर मकसूद होती, मकानात बनाना मकसूद होता तो अल्लाह परिंदों से पूरी दुनिया भर देते कि वो लटकते हुए घोंसले बनाते हैं। ये तो जमीन में कितने अंदर तक उसकी बुनियादें डाली जाती है, फिर उसके ऊपर फिर तामीर होती है। ये परिंदे लटकते घोंसले बनाते हैं, इनसे अच्छे मकान कौन बनाएगा? अगर इस दुनिया की वजूद का यह मकसद होता कि तामीर हो और मकानात हो और दिन ब दिन ये दिवाले की दिवाले बनाई जाए, तामीर की जाए, तो इसके लिए बेहतरीन और अच्छी मखलूक परिंदे हैं। पूरी दुनिया अल्लाह परिंदों से भर देते हैं, परिंदे बस बनाई तो बनाते ही रहते हैं। लेकिन बात यह है कि मकसद अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की पहचान है, अल्लाह की इबादत अल्लाह की पहचान के साथ है। ये मकसद हयात है कि जिस खालिक और मालिक ने हमें दुनिया में पैदा फरमाया है और जिसने हमें जिंदगी में मौका दिया है, उस खालिक और मालिक की इबादत की जाए, उसको पहचाना जाए, उसको खुश करने के लिए मेहनत की जाए, कोशिश की जाए। अगर उसको खुश करने की मेहनत और कोशिश की गई तो वो खालिक और मालिक जिसने हमें 50, 60 साल, 70 साल की जिंदगी दी और जिंदगी में हमें कारोबार दिया और जिंदगी में हमें बीवी बच्चे दिए, दोस्त अहबाब दिए, अड़ोस पड़ोस दिए और रिश्तेदार दिए और उसके अलावा बाकी सारी जरूरियात दी और सारे मिलने जुलने वाले दिए, वो अल्लाह और वो खालिक और मालिक, उसको खुश करने की अगर मेहनत हो रही है, उसके हुक्म पर अमल करने के जज्बे के साथ दिन दुनिया की जिंदगी गुजर रही है, उसके हर हुक्म को याद कर कर के उसके हुक्म को पूरा किया जा रहा है, तो वो अल्लाह जिसे खुश करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो अल्लाह हमें खुश कर देगा। किसको खुश कर देगा? हमें खुश कर देगा। इंसान खुद खुश होने के लिए दुनिया में नक्शे बनाए। और इंसान खुद राजी रहने के लिए
इसकी तबीयत लगे, इसका जी लगे, इसको अच्छा लगे, इसके लिए दुनिया भर में नक्शे बनाए, दुनिया की चमक दमक को जमा करें और दुनिया में इसकी बहुत सारी कोशिशें करें, लेकिन दुनिया बनाने वाला तय ना करें तो वो खुश हो सकता है? वो अच्छे नक्शों में भी खुश नहीं हो सकता। इससे इसलिए अभी से पहले तो इतने सारे सामान नहीं थे, इतने असबाब नहीं थे, लेकिन जिंदगी में बहुत ज्यादा सुकून था। अब असबाब बढ़ रहे हैं, सामान बढ़ रहे हैं, लेकिन सुकून जिंदगी से निकल रहा है। राहत और आराम के असबाब बढ़ रहे हैं, पहले वो हाथ का पंखा होता था, उसके जरिए से हवा डालते थे और उस पर भी लोग बड़े खुश थे। एक आदमी बैठ करके हाथ के पंखे से हवा दे, दूसरा आ गया तो उसको भी डालते थे, उसका भी इकराम करते थे, तीसरा आ गया तो अपना हाथ ऊंचा करता था और सबको ही हवा डालता था, और इकराम हो रहा है। दो चार आदमी आ जाते थे, वो हवा डालने वाला सबको हवा डालता था। उससे आगे बढ़कर पंखा आया, असबाब बढ़ रहे हैं, सामान बढ़ रहे हैं। दो आदमी एक पंखे के नीचे है, दूसरा आदमी आएगा और कहेगा कि ये दूसरा पंखा शुरू कर दे, तो वो दूसरे पंखे में हो जाएगा। वो एक हाथ के पंखे के नीचे चार पांच आदमी बैठते थे और वो एक आदमी सबको हवा डालता था, अब दो आदमी और बढ़ जाते दूसरा पंखा शुरू करते, ऐसा ही होता है। हाँ, असबाब बढ़ रहे हैं, सुकून कम हो रहा है, मोहब्बतें कम हो रही है, एसी आ गया ताकि दो चार आदमी और बढ़ जाते हैं ताकि दूसरा शुरू करना पड़ेगा, कूलिंग नहीं आता है, आदमी बढ़ रहे हैं इसलिए। तो दुनिया में असबाब की फरावानी हो रही है, सामान बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही है, नई नई चीजें दुनिया में वजूद ईजाद हो रही है, लेकिन जिंदगी की राहत और जिंदगी का सुकून इनके साथ लगा हुआ नहीं है। उसके लिए तो एक बेहतरीन जिंदगी है, एक पाकीज़ा जिंदगी दी है, और उस जिंदगी को सीखा जाएगा। सीख करके आदमी वो जिंदगी बनाएगा, जो आदमी सीखता है उस जिंदगी को, फिर उसकी जिंदगी संवरती है, वो अपनी जिंदगी से खुद बहुत फायदा उठाता है। सीखकर जिंदगी गुजारने वाला खुद अपनी जिंदगी में भी खुश होता है, खुद उसको अपनी जिंदगी से भी फायदा होता है और उसके साथ जुड़े हुए लोगों को भी फायदा होता है कि उसने एक जिंदगी सीखी है। और सीखता नहीं है तो खुद वो अपनी जिंदगी में अपनी सारी दौलत के साथ खुद तंग होता है, अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम होने के साथ भी परेशान होता है, फिर भी उसको मौहूम ख्यालात परेशान करते हैं, उसने जिंदगी सीखी नहीं है। इसलिए जिंदगी मतलूब है, ये सारी मेहनत इसी के लिए है, ये इज्तिमा की सारी मजलिस इसी के लिए है कि एक मतलूब जिंदगी जो अल्लाह के नजदीक है और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली और अमली तौर पर के उम्मत को सिखाकर और बतलाकर जो जिंदगी गए हैं, वो जिंदगी हम मुख्तलिफ मजलिसों में सुनेंगे, मुख्तलिफ मुजाकरों में उसको बोलेंगे और आने वाले मजमे के साथ उस जिंदगी के साथ बरतेंगे, तो इंशाअल्लाह वो जिंदगी हमारी बनेगी, वो जिंदगी बनाने के अजाइम से हम शरीक होंगे।
एक प्रोग्राम में शिरकत हो गई उसके लिए नहीं है, ये कोई प्रोग्राम नहीं है। एक डेढ़ दिन की हाजिरी हो गई, एक बड़ी नीयत के साथ हमारा जमा होना हुआ है, बड़े जज्बात के साथ हमारा जमा होना हुआ है। अल्लाह को बड़ा तरस आता है जमीन पर इतना बड़ा मजमा अल्लाह के निस्बत पर बैठा हुआ है, अल्लाह के निस्बत पर अपनी नाक रगड़ रहा है, सजदों में है, रुकू में है, तस्बीहात में है, जिक्र में है, तिलावत में है, अल्लाह की निस्बत पर अल्लाह को राजी करने के जज्बे से एक दूसरे की खुशामद कर रहा है, एक दूसरे का ताउन कर रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहा है, एक दूसरे का इकराम कर रहा है। अल्लाह को इस मजमे पर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो हमारी शिरकत एक टारगेट के साथ होगी। हम पहुंचे हैं या अल्लाह ने पहुंचाया है? भाई किसने पहुंचाया है? अरे भाई सो तो नहीं गए, भाई सब जाग रहे हैं, भाई किसने पहुंचाया है? अल्लाह ने पहुंचाया है। अल्लाह ने कुछ देने के लिए पहुंचाया है, भाई किसके लिए पहुंचाया है? कुछ देने के लिए पहुंचाया है। और सबसे बड़ी चीज जो अल्लाह की तरफ से बंदों को मिलती है वो हिदायत मिलती है। भाई क्या मिलती है? हिदायत मिलती है। ये सबसे बड़ा दुनिया का तोहफा है, ये सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत है और इसको देने के लिए अल्लाह ने पहुंचाया है। हमने तो बार बार सुना कि मजलिस में अल्लाह की मगफिरत के वादे होते हैं, तो कितनी सारी मजलिस हैं, कितनी सारी मजलिस हैं, और फिर मजलिस में कैसे कैसे लोग होंगे, पता नहीं किसका सजदा अल्लाह को पसंद होगा, किसकी सुबहान अल्लाह अल्लाह को पसंद होगी, किसकी किसका रुकू अल्लाह को पसंद होगा, किसका कयाम अल्लाह को पसंद होगा। फिर वो सब मजलिस में बैठ रहे हैं। बस मेरे दोस्तों बात यह है कि हम एक नीयत के साथ आए हैं, एक नियत के साथ हम पूरे इज्तिमा में शरीक होंगे, पूरा मजमा एक फिक्र के साथ शरीक होगा, एक फिक्र के साथ शरीक होगा कि हम इज्तिमा में पहुंचे हैं, अब अल्लाह के लिए आए हैं। इज्तिमा का जो असल मकसद है कि इज्तिमा की जितनी मजलिसें हों हम उस पूरी पूरी की पूरी मजलिसों में शरीक होंगे। तैयार होकर के मजलिसों में शरीक होंगे, जरूरियात से फारिग हो जाएंगे। हम अपनी सारी जरूरियात अपने घर पर पूरी करते हैं और सारी जरूरियात अपनी चीजें और अपना दुकान मकान कारोबार घर पर छोड़ करके आए हैं। अब इन छोटी बड़ी जरूरियात में हमें शैतान उलझा ना दे। शैतान का यह काम है कि वो उलझा देता है, क्या करता है, उलझा देता है। हमारी फिक्र और हमारी कुव्वत फिक्र जरूरियात में ना लगे कि भाई कहां अच्छी चाय मिल रही है और अच्छा नाश्ता कहां पर मिल रहा है, यहां जल्दी पहुंच जाएंगे यहां अच्छा नाश्ता, बल्कि हमारी कुव्वत फिक्र और हमारे जज्बात इसके लिए लगे कि अल्लाह ने हिदायत की मेहनत में और हिदायत का सामान में अल्लाह ने हम सबको पहुंचाया है, हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की रहमतों को बरकतों को और अल्लाह की तरफ से मिलने वाले हिदायत को वसूल करना है। इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी खुद की इजाज़त से अपने आप को इन सारी मजलिसों का पाबंद बनाऊं। कि मेरी एक मजलिस भी नागा ना हो, सारी मजलिसों में मेरी हाजिरी हो और अच्छी और बड़ी नीयतें लेकर के बैठेंगे। नीयतें नीयत यह आदमी को जमा देती है, लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा,
जो जमने वाले होते हैं वो अपनी नियतों की वजह से जमे रहते हैं, अपनी नियतों की वजह से जमे रहते हैं। इसलिए सहाबा बड़ी नियतें करते थे, कश्तियां जला डालते थे कि हम आए हैं अल्लाह के दीन के लिए, हम वापस नहीं लौटेंगे। और ऐसी बड़ी नियत होती थी कि अल्लाह के दीन के लिए अगर मेरे दिलों में और कोई बात रुकावट बनती है तो उसके मुतालिक फैसला करते थे। बीवी रुकावट बनती है तो उसके मुतालिक तय करते थे, माल रुकावट बनता है तो उसके लिए तय करते हैं, वो सब सदका। ये बड़ी नियत लेकर के बैठते थे और बड़ी नियतें होती थी। हमारी हाजिरी और हमारा यहां पर आना बड़ी नियतों के साथ हो। कि भाई इस्तिमा की जितनी मजलिस है हम हर मजलिस को उसका हक देंगे तो फिर अल्लाह की तरफ से जो वादे हैं वो वादे पूरे हो जाएंगे। जब अमल को उसका हक मिलता है तो अमल से जो नफे मुरतब होने वाले होते हैं अल्लाह उन नफों को मुरतब कर देते हैं। अमल को उसका हक मिला है। बाकी मेरे दोस्तों हर अमल की अपनी जगह पर बेशक तासीर है, हर अमल में तासीर है। जैसे दुनिया की चीजों में, दुनिया के खाने और पीनों में एक लज्जत है और एक तासीर है। पूछते हैं कि भाई दूध ये कैसा होगा, ठंडा होगा, पिएंगे तो? तो हर चीज की तासीर है, ऐसे आमाल की तासीर है और आमाल की कुव्वत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को और अपनी अपने अजवाज मुतहरात और अपनी बनाते तैयबात, बल्कि हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को और उसके अलावा दीगर सहाबा को आमाल की ताकत समझाई है। हजरत फातिमा का मशहूर किस्सा है, आई थी आपके पास फिर बोल नहीं सकी, फिर हजरत अली से मालूम किया तो पता चला कि काम करने की वजह से हाथों पर गट्टे पड़ जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल बताया, अमल की ताकत और तासीर समझाई। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि सलातुल कुसूफ और सलातुल खुसूफ, कि पूरी दुनिया में बाहर और आसमान पर निजाम हो रहा है, चांद और सूरज ग्रहण बाहर हो रहा है और हमें नमाज का हुक्म दिया है। अमल की ताकत बताई जा रही थी, अमल की ताकत है अपनी जगह पर। बारिश नहीं होती तो सलातुल इस्तिस्का पड़ी जाती है, अल्लाह से मुतवज्जो होते हैं एक अमल के जरिए से। तिलावत की तासीर है, जिक्र की तासीर है, इकराम की खिदमत की तासीर है। हर अमल की अपनी जगह पर तासीर है। बात यह है उस अमल को उसका हक मिलेगा, वो तासीर अपना काम बताएगी, वो तासीर बाहर आएगी। अमल को उसका हक देना है। ये इज्तिमा हमारा आमाल के साथ है और अमल की इब्तिदा होती है और इंतहा होती है। नमाज की क्या होती है? अरे भाई बोलो ना भाई, नमाज की इब्तिदा होती है हाथ बांधते हैं अल्लाह अकबर कहकर के, हम तकबीरा तहरीमा कहकर के हाथ बांधते हैं। नमाज की इब्तिदा होती है, नमाज की इंतहा होती है, अमल है। तो अमल की इब्तिदा होती है, अमल की इंतहा होती है। दुनिया में जितने तमाशे होते हैं उसकी कोई इब्तिदा नहीं होती है, बस वो ऐसे ही होते हैं, लेकिन अमल की इब्तिदा और इंतहा होती है। फिर उस अमल को नियत के साथ किया जाता है। नमाज को हम नियत के साथ करते हैं, और यकसू जहन के साथ किया जाता है, खालिस उस अमल का बनकर किया जाता है कि नमाज है अब उसी अमल का बनना है। कयाम के वक्त कयाम, रुकू के वक्त रुकू, सजदे के वक्त सजदा। यह अमल है।
ऐसे इज्तिमा की हर मजलिस अमल है और हर मजलिस की इब्तिदा होती है और हर मजलिस की इंतहा होती है। अगर हर मजलिस को इब्तिदा और इंतहा के साथ वसूल किया गया तो यह अमल बनेगा। भाई क्या बनेगा? अमल बनेगा। और जब अमल अपनी तरफ से बन गया तो फिर अल्लाह की तरफ से फायदे मुरतब होंगे। इसको इब्तिदा से और इंतहा से वसूल किया जाए। फिर नियत से, नियत के साथ, अच्छी से अच्छी नियत करके, अच्छी भी नियत करनी है और वसी नियत करनी है। कैसी नियत करनी है? वसी नियत करनी है। नियतों में बखीली नहीं होगी, वसी से वसी नियत करेंगे, अच्छी से अच्छी नियत करेंगे। ये दूसरी चीज है अमल की कि तसीय नियत और वसात नियत। मौलाना अब्दुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे तसीय नियत और वसात नियत। तो अमल को अच्छी नियत से करेंगे और वसी नियत से करेंगे कि जो सुनेंगे उस पर खुद अमल करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तवज्जो से सुनेंगे। और पूरे आलम में पहुंचाने की नीयत से सुनेंगे। कैसे सुनेंगे भाई? पूरे आलम में पहुंचाने की नीयत से सुनेंगे। जहां तक अल्लाह ने हमें बस दिया है, जहां तक अल्लाह ने हमें तौफीक दिए, जहां तक अल्लाह की ताईद हमारे साथ शामिल हाल है, हम खुद आलम में पहुंचेंगे। हाँ, हम खुद आलम में पहुंचेंगे। क्या मशरिक, क्या मगरिब, क्या शिमाल, क्या जुनूब, दुनिया के एक एक खित्ते में जाने की नियत और अजाइम होंगे। अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के बंदों की खुशामद करते हुए, अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी की तामीर की नियत से आलम भर में पहुंचाने की नियत, और उसमें कि सबसे पहले जहां तक हमारा बस है हम पहुंचेंगे, यह नियत है। और जहां हम नहीं पहुंच सकते वहां मजमा बनाकर पहुंचाएंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई? मजमा बना करके पहुंचाएंगे कि पूरे आलम में अल्लाह के दिन की बात पहुंचे। तो नियत सही होगी, वसी नियत होगी, आलम भर की नियत होगी और कुर्बानी के साथ नियत होगी। और जिस अमल में बैठे हैं, जैसे रुकू के वक्त रुकू की तस्बीह है, रुकू का ध्यान है, ऐसे जिस वक्त जिस मजलिस में बैठे हैं उस वक्त उस मजलिस के लिए खालिस हो जाएंगे। उस वक्त और बाकी किसी चीजों का, बाकी दूसरी चीजों का तस्वूर हमारे जहन में नहीं आएगा, उसी मजलिस का खालिस होकर के रहेंगे। अखलिस अमलक, अपने अमल को खालिस कर। अपने अमल को खालिस कर, उस अमल को इस पूरे खुलूस के साथ और पूरी यकसुई के साथ करेंगे। ये हजरत सहाबा के औसाफ में से है और सहाबा की मजलिसों में शिरकत और मजलिसों में हाजिरी में ये बड़े अहम वस्फ है, जिसकी वजह से हजरत सहाबा कयामत तक के लिए हिदायत का नमूना बने, सैंपल बने। और हजरत सहाबा की इन नकलो हरकत की इत्तिबा जिन लोगों ने की, वल्लदीन तबाउहुम बि एहसान, जिन जिन लोगों ने हजरत सहाबा की आमाल में और जिंदगी के तरीकों में पैरवी की और इन अच्छी नियतों के साथ अमल को अमल बनाते हुए यकसू होकर के इन सारे उसाफ के साथ जिन लोगों ने कोशिशें की, काविशें की, पैरवी की, अल्लाह पाक ने चाहे वो किसी जमाने के हो उनको हिदायत का चिराग बनाया, हिदायत के चिराग बने, उनकी वजह से अल्लाह ने करोड़ों की हिदायत का जरिया बनाया, आलमगीर हिदायत का जरिया बने,
बस बात यह है कि जो अमल को जो हक देना है उसको उसका हक देना है। इसके लिए मेरे दोस्तों आप हजरात तो माशाल्लाह जल्दी पहुंचे, ये पूरा मजमा जो पहुंच गया आज पहली मजलिस में, ये मजमा बाद वाले मजमों के लिए नमूना है और ये मजमा बाद वाले मजमे का मुआविन बनेगा, मददगार बनेगा। भाई क्या बनेगा? हाँ, क्या बाद में जितना मजमा आ रहा है अब ये सारा मजमा इस मजमे की हम कदर करेंगे, इस मजमे की हम कदर करेंगे। बहुत सारा नया नया मजमा होगा जो हमें अपने मोहल्लों में अपने इलाकों में साल भर में एक दो मरतबा मिलते हैं, जिनसे बहुत यकसुई के साथ बैठक भी नहीं होती, इज्तिमा के इस माहौल में एक अच्छी यकसुई के साथ उनके साथ दुआ सलाम होगी, खैर खबर होगी, उनको हम करीब कर सकेंगे, वसूल कर सकेंगे, एक अच्छा मौका है आने वाले मजमों का अच्छी तरीके से इस्तकबाल करके इन्हें अपने साथ अपनी मजलिसों में शरीक करना। इसलिए हमारे काम में दावत अपने लिए है। मुझे अगर सारी मजलिसों की हाजिरी देनी है और मुझे हिदायत के लिए मैं आया हुआ हूं कि अल्लाह मेरी जिंदगी में हिदायत दे दे और मेरी जिंदगी अल्लाह की मर्जियात के मुताबिक गुजर जाए, तो मुझे सबसे पहले अपने आप को जोड़ना होगा और मुझे अपने आप को जोड़ने के लिए मुझे जोड़ना होगा। क्या करना होगा? हाँ, कि मैं लोगों को जोड़ूं। हमारे खित्ते में जो साथी है हम उनको मजलिस के मौके पर उनको वसूल कर लें मोहब्बत के साथ, मोहब्बत और इकराम के साथ। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिल जाती है, वसूल हो जाती है। लोग मोहब्बत और इकराम के साथ साल भर के लिए, दो साल के लिए वसूल हो जाते हैं, चार महीने के लिए वसूल हो जाते हैं। मोहब्बत और इकराम के साथ इस आया हुए मजमे को हमें मजलिस में जोड़ना है, खुशामद करते हुए जोड़ना है। और ये मजमा कर सकता है माशाल्लाह। इस मजमे को अल्लाह ने जल्दी पहुंचाया है, अब इस मजमे के जरिए से ये काम है कि ये मजमा आने वाले मजमे को मजलिसों में जोड़े। हमारा जितना वक्त इज्तिमा का तय हुआ है वो इज्तिमा का वक्त हमारा यहां पर दावत के साथ है। जब मजलिस ना हो तो हम अपने जितने मजमे हैं उनके साथ हम जहन साजी की बात करेंगे। ये एक अच्छा मौका है। बाकी दुनिया भर की बातें जो दुनिया में होटलों पर, चौराहों पर, सड़कों पर, दुकानों पर, होटलों पर होती है, वो बातें तो वहां पर होती ही है। यह मौका है कि इस जगह पर दीन की बात हो, अल्लाह की बात हो, ईमान की बात हो, आखिरत की बात हो, जहनसाजी की बात हो। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिससे ना दुनिया का नफा होता है ना दीन का नफा होता है, लगव और बेकार बातें होती है। और बताएं कि बेकारी लायानी छठे न सातवें न कि भाई ये सारी मेहनत की और लायानी जिंदगी में है तो इन सब पर पानी फिर जाएगा। ईमान, नमाज, इल्म, जिक्र, इकराम, इखलास और जान माल अल्लाह की निस्बत पर इस्तेमाल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लायानी जिंदगी में है, फुजूलियात जिंदगी में है, तो इन सब पर पानी फिर देगा। इसलिए इस वक्त तो पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे असबाब और वसाइल हैं जो दुनिया के लोगों का बेहतरीन वक्त जाया कर रहे हैं। हमारी इस मेहनत से मकसूर है कि हर आदमी अपना वक्त कीमती बनाए, जैसे हम जान कीमती बनाए, अपना माल कीमती बनाए, ऐसे अपना वक्त कीमती बनाए, अपनी सलाहियतें कीमती बनाए। वक्त की कदरदानी आए,
इसलिए कहा अल वक्त, के वक्त सोने और चांदी से ज्यादा भारी है और महंगा है। सोना चांदी बाद में मिल जाएगा, लेकिन निकला हुआ वक्त फिर भाग नहीं आएगा। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये बहुत अहम बात है कि हम अपना वक्त कीमती बनाएं, लगवियात में और फजूलियात में इस्तेमाल ना हो, बेकार की बातों में इस्तेमाल ना हो। और बेकार की बातों से जितनी बकौल हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जितनी दिलों पर तारीकी और अंधेरिया छाती है, इतनी किसी और चीजों से नहीं छाती। इसलिए दीन की बात करें, ईमान की बात करें, और मजमे को इन बातें बात करके वसूल करते हुए रहे, जहनसाजी करते रहे, दावत के साथ हमारा वक्त गुजरे। इसकी कोशिश करें। हमने सुना कि अभी खुला इज्तिमा था, अभी तक लोग इज्तिमा करते हैं कि उस इज्तिमा में माशाल्लाह बड़ा मजमा पहुंचा था और इज्तिमा से बहुत रौनक थी और उस इज्तिमा में बहुत सारे लोग राय खुदा में निकले थे और इस इज्तिमा के बाद अल्लाह ने ये नफे दिखाए थे। उसकी वजह यह थी कि उस इज्तिमा को इन बुनियादों के साथ उठाया गया था। अगर हमारे ये इज्तिमा इसी बुनियादों पर उठेगा तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है ये इज्तिमा भी इनकलाबी इज्तिमा बनेगा, आलमगीर हिदायत का जरिया बनेगा। इसलिए दावत के साथ इज्तिमा को हमारा इज्तिमा हो, मजलिस के मौके पर अपने मजमे को जुड़ते हुए चले, खित्ते वाली जमात सफों को दुरुस्त करें, अपने मजमे को वसूल करें, तश्किल के मौके पर अपने मजमे की खुशामद करें, हिम्मत दिलाएं। ये हा का माहौल है, ये किसका माहौल है? हा का माहौल है, यहां पर हा ही हा है। राय खुदा में जाने के लिए सब लोग तैयार होते हैं, एक हा का माहौल होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो कभी नहीं निकले, कभी हाथ नहीं आए, वो इस माहौल की वजह से वसूल हो जाते हैं। ऐसे लोगों की खुशामद कर ले, मिन्नत कर ले, ये बड़ी अहम चीज है कि ऐसे लोग हमारे करीब हो जाएं। जो जमाते दुआ जिक्र के लिए तय हो, वो अल्लाह से खूब लव लगाए, खूब अल्लाह से मांगे। ये हमारी काम की असल असल है, असल दुआ और जिक्र खुद हमारी जाती जिंदगी की असल है कि आदमी दुआ और जिक्र के साथ चले, अल्लाह को याद रखने, याद करने और याद रखने के साथ चले, अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह को याद रखकर गुजारनी है। कैसे गुजारनी है? जिक्र इसलिए है कि अल्लाह को याद करें, याद इसलिए करना है कि अल्लाह याद रह जाए, अल्लाह को याद रखकर जिंदगी गुजारे, बाजार में हो या जहां कहीं भी हो, अल्लाह को सामने रखकर याद करके जिंदगी गुजार। जो हमारी जिक्र की जमाते हैं, दुआ की जमाते हैं, वो खूब ताकत लगावे ताकि इज्तिमा को रूहानियत मिले। बाकी दुआ ये हम सब का हथियार है, मोमिन का हथियार है। नमाज से पहले आ गए, हम अपने दुआओं में अपने आप को लगावे, दावत में लगावे, इबादत में लगावे, सीखने सिखाने में लगावे। इज्तिमा खूबियों का लेन देन है, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि जिसकी वजह से हमें खूबियां मुंतकिल होगी। सीखे सिखावे, सीखने सिखाने का जज्बा हर बंदे को आगे बढ़ाता है, और जहां सीखने सिखाने का काम रुक जाता है वो वहां ही रह जाता है। सीखने सिखाने वाला आगे ही बढ़ते रहता है, आगे ही बढ़ते रहता है। खिदमत के साथ चलें कि जो मजमा हमारा पहुंचा है उस मजमे की खिदमत करें, इकराम करें। अगर इन बुनियादों के साथ है तो इंशाल्लाह हमारे इज्तिमा तारीख इज्तिमा बनेगा। भाई कैसा बनेगा? अरे भाई बोलो ना, कैसा बनेगा जी? और हिदायत का आलमगीर, हिदायत का जरिया बनेगा, आलमगीर अल्लाह हिदायत का जरिया बनाएगा।
इसलिए आया हुआ मजमा तो ये तय करें कि इस्तिमा जितना भी है, जब तक हमारी दुआ इस्तिमा की दुआ ना हो, हम इस इस्तिमा को पूरा का पूरा वसूल करेंगे। अभी कितनी कमजोर इंशाल्लाह है जी, हम इन इस्तिमा को पूरा का पूरा वसूल करेंगे। हाँ, इस्तिमा की मजलिसों में हाजिरी देकर के, दावत के साथ, जिक्र इबादत के साथ, खिदमत के साथ, सीखने सिखाने के साथ, आने वाले मजमों की खुशामत के साथ, हम अपने इस्तिमा को वसूल करेंगे। और हमारा ये पूरा मजमा जो आया हुआ है, जिसको माशाल्लाह अल्लाह ने जल्दी पहुंचाया है, ये बहुत खुशनसीबी की बात है, सआदतमंद मजमा है। हमने सुना है कि मस्जिद में जो अव्वल सफ में होता है, ये बहुत मुकर्रब मजमा है, ये सफे उला का पाबंद होता है। सफे उला के लोगों की अल्लाह ने फजीलतें बयान की है, सफे उला वालों की, सफे उला पर फजीलतें हैं कि भाई सबसे पहले अल्लाह की रहमत इमाम पर उतर दिए, फिर पीछे मुकब्बे पर, फिर दाएं और बाईं तरफ। सफे उला के मजमे की बड़ी अहमियत है। तो ये जो मजमा आया हुआ है, ये पहली सफ की तरह है, माशाल्लाह जल्दी पहुंचा है। अगर ये मजमा इन नियतों के साथ होगा कि इस्तेमा से जो तकाजे आए, हम इन तकाजों में सबसे पहले अपने आप को पेश करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो इंशाल्लाह आने वाला मजमा इस मजमे को देख करके अपने आप को कुर्बानी में आगे बढ़ाएगा। क्या करेगा भाई? लेकिन पहले ये मजमा अपने आप को कुर्बानी की नियत से आगे बढ़ाने की जज्बे से बैठे कि इस्तिमा से जो कुर्बानी की बात हो, और इस्तिमा से जिन तकाजों की बात हो, और अल्लाह की निस्बत पर जो तकाजे मांगे जाएं, और जो अल्लाह की निस्बत पर तलब किया जाए, हम अपने आप को पेश करेंगे। हमारा बस का काम यह है कि अपने आप को अल्लाह के लिए पेश करें, अपने आप को पेश करें। हजरत सहाबा की अमली और प्रैक्टिकली जिंदगी से यह बात उजागर होती है, यह बात समझाई गई है कि हजरत सहाबा ने अपने आप को पेश किया। हाँ, अपने आप को आगे बढ़ाया। अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने उनकी तलब पर, उनके जज्बात पर, हमने देखा है छोटे छोटे सहाबा वो घुटनों के बल खड़े होते थे, पांव पर। ये तलब है, जज्बा है, शौक है कुर्बानी का, दुआ मांगते हैं अल्लाह से। इन चीजों का अल्लाह ने हमें मुकल्लब बनाया है कि हम अपनी नियतें बड़ी करें, बाकी ले जाने वाली जात किसकी है। हाँ, अपना बस ये ना समझे कि मैं जाऊंगा, यहां पर सब मसला अटक जाता है। कहां पर अटक जाता है? अरे भाई बोलो, मैं अपने सेटिंग से जाता हूं, मैं अपनी तरतीब से जाता हूं, मेरा सीधा होता है तो मैं जाता हूं। हाँ, हजरत साहबा इन जज्बात के साथ है कि अल्लाह ले जाता है। कौन ले जाता है? अल्लाह ले जाता है। ये पूरा मजमा इन जज्बात के साथ बैठे कि हमें तो अल्लाह ने कबूल करने के लिए इज्तिमा में जल्दी पहुंचाया है, अल्लाह ही हमें कबूल करेगा, और अल्लाह कबूल कर ले तो कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल है? बस बात यह है कि अल्लाह बंदों की नियत के मुताबिक उनके साथ मामला करते हैं, तलब के मुताबिक मामला करते हैं कि नियत कैसी है, तलब कैसी है। हजरत बिलाल हबशी की तलब और नियत है, अल्लाह उनको नवाज देते हैं। सोहेल रूमी की नियत और तलब है, अल्लाह उनको नवाज देते हैं। नियत और तलब वालों को अल्लाह नवाजते हैं। अल्लाह पर एतमाद करते हुए जो आगे बढ़ते हैं, अल्लाह उनका मददगार बन जाता है, अल्लाह उनका मददगार बनता है। हम दुनिया में भाई ये आदमी अपने पास है तो कोई मसला नहीं, कहते हैं ऐसा, सुनने वाला भी कहता है कब इसका हाथ बटाना पड़ेगा। ऐसे हमारा तो असल मददगार अल्लाह है, न्यामल मौला और न्यामल नसीर, बेहतरीन मददगार अल्लाह है,
बेहतरीन मददगार अल्लाह है, बेहतरीन कारसाज है। इससे बेहतर कोई है? कोई नहीं है। तो जब हमारा बेहतरीन मददगार और बेहतरीन कारसाज है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उस अल्लाह पर एतमाद करते हुए, उस अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, तकाजों पर लब्बैक कहना चाहिए। इन बुनियादे ऐसी बुनियादे वाले लोग आगे बढ़ते हैं, तलब वाले लोग, नियत वाले लोग, अल्लाह पर भरोसा करने वाले लोग कसम पुरुष होते हैं, चटनी रोटी खाते हैं, ना बड़ी सवारियां होती है, ना बड़ी कारें होती है, ना बहुत ज्यादा वसी मकानात होते हैं, लेकिन नियत होती है, तलब होती है, अल्लाह पर एतमाद होता है, कुर्बानी के जज्बात होते हैं, अल्लाह मुल्कों में, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में और दूर दराज के इलाकों के लिए और अपने अपने वहीं अपने तई बहुत सारे तकाजों के लिए अल्लाह उन्हें कबूल करते हैं, अल्लाह उनको कबूल करते हैं। वो अपनी 50-60 साल की जिंदगी गुजारते हैं, देखने वाले यूं कहते हैं जिंदगी पर हम इन्हें कसम पुरुष देखा, लेकिन देखें तो जिंदगी में बहुत सारे चार माह लगे हुए हैं, बहुत सारे सफर किए हुए हैं, बहुत बड़ा मजमा छोड़ करके जा रहे हैं। इनकी तलब, इनकी नियत और इनका अल्लाह पर एतमाद इनको ये सारा काम करवा रहा है। और अगर ये बात नहीं होती तो फिर सारी सहूलियात और सारी आसानियों के बावजूद आदमी अटका रहता है, ऐसा ही होता है। इसलिए पूरा मजमा नियत करें कि इंशाअल्लाह हम तो कुर्बानी के जज्बे के साथ हर मजलिस में शरीक होंगे। अरे करेंगे इंशाअल्लाह, हाँ, कि हम पूरा मजमा यह तय करें कि जो तकाजा आएगा उसमें अपने आप को सबसे पहले पेश करेंगे। देखो अब फिर ठंडे हो गए। सबसे पहला तकाजा हमारा 4 महीने का है। इस मजमे में से हिम्मत करके बताओ, अभी मुजाकरे में बात आई कि भाई हमें क्या करना है? अल्लाह पर एतमाद करना है, अल्लाह पर भरोसा करना है और अल्लाह को तलब बतानी है। जब बंदा अल्लाह को तलब बताता है और सच्चाई बताता है तो फिर अल्लाह उनके लिए रास्ते खोल देते हैं। इसलिए हिम्मत करके बताए कि मैंने अपने एतबार से मैं तैयार हूं, अल्लाह मेरी मदद करेगा। 4-4 महीने के लिए बतावे इस मजमे में से कौन कौन तैयार है, फरमाए माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमावे और फरमावे जी और बतावे। ये हमारा असल मजमा है, इस मजमे को देख करके बाकी मजमा भी हिम्मतें करेगा, नियतें बनाएगा, खड़ा होगा। ये मजमा अपने आप को कुर्बानी पर पेश करें, अपने आप को आगे बढ़ाए, घबराए नहीं, ले जाने वाली जात अल्लाह की है। हिम्मत करे, कौन नियत करता है बताओ? जिन साथियों ने जायदाद की थी उसने जमा करवाई है, अभी तो इज्तिमा बिल्कुल करीब आ गया, अभी निकलने का मौका है। अल्लाह पर भरोसा करके अपने इरादों पर कायम रहे, अल्लाह की मदद आएगी। और जिन जिन इलाके वालों ने तय के जमाते हैं, अफराद हैं, अगर उनकी तरतीब न बनी हो तो वो तश्कीली कमरे में उनकी तरतीब बना ले, ठीक है इंशाल्लाह। बाकी साथी फारिग होने के लिए चले जाओ, चिल्ले वाले जिम्मेदार साथी बैठे मशुरा करने आ गए। बाकी सारी दुआ पढ़ो। तालीम इंशाल्लाह 10 बजे होगी तो सारे साथी 10 बजे तालीम में जुड़े इंशाल्लाह। भाई साथी आ जाओ, महुआ के साथी हैं, बोटाद के हैं, सीहोर, तलाजा, कोगा, भाई बोटाद
बोटा जोड़ा से बोटा ना साथियों बोटा जोड़ा है हमें आ जाओ बोटा जोड़ा बदे श्योर है आ जाओ ईसुब भाई बाजू में आ जाओ बदे ईसुब भाई बियारणी आ रहे श्योर वाला बैठ जाओ सिराज आ रहे बैठ जाओ मास्टर सिराज आ रहे गोगा वालों को बुला लो गोगा वाले भावनगर इस तरफ आ जाए दाई तरफ सुबह जाए तला जवाले कहाँ हैं भाई हमारे हमारे तला जवाले प्यारे साथी कहाँ हैं भाई सुलेमान भाई है अनवर भाई है कहाँ हैं भाई सब आ जाओ भाई जाओ महुआ वाले नहीं दिख रहे अमीर साहब है फारूक भाई आए हैं सलीम भाई कड़सार है कहाँ हैं सब जल्दी से आ जाओ जल्दी से सोए हुए हो जिम्मेदार तो उठा दो उसको अब्दुल रजा कर आ जावे